वेलकम टू सोशल। ऑलमोस्ट हर हिंदी फिल्म में हम देखते हैं कि द हीरो विंस इन द एंड। टेक्निकली इट्स गुड टू सी आवर हीरोज विनिंग, बट कितनी बार सिर्फ हैप्पी एंडिंग देने के लिए एंड में हीरो को विलन से जीतते हुए दिखा दिया जाता है। तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है वो तुझे तेरी सजा बताएगी। बट व्हाट इफ वी टेल यू दैट देयर आर फिल्म्स जहां विलन एंड में जीत जाता है। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड फिल्म्स। We are talking about the villains from Bollywood films जो end में जीत जाते हैं। इस video में हम आपको ऐसी 8 films के बारे में बताएंगे where the villain wins at the end. This is going to be a really interesting video. इसलिए we request you to watch it till the end. For your information, इस video में बहुत से spoilers होने वाले हैं. So watch it at your own risk. Hey, सुझा! ससुराल में आयो? Number 1, इत्तेफाक। इत्तेफाक एक मर्डर मिस्ट्री थी जहां पर वी सी द कैरेक्टर ऑफ देव प्लेड बाय अक्षय खन्ना इन्वेस्टिगेटिंग टू मर्डर्स। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर विक्रम सेठी इज अ प्राइम सस्पेक्ट फॉर बोथ मर्डर्स। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि विक्रम नहीं बल्कि माया, जिसका कैरेक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने प्ले किया है, उसी ने दोनों मर्डर्स किए हैं। मैंने विक्रम के साथ शराब अपनी मर्जी से नहीं पी थी। फिल्म का रियल ट्विस्ट फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है जहां देव को पता चलता है कि रियल मर्डरर हमेशा से विक्रम ही था और वो शुरू से इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा था। दिस क्लियरली डिफाइंस दैट विक्रम वाज़ द विलन ऑफ दिस फिल्म। एंड में वो लंदन चला जाता है और देव कुछ नहीं कर पाता। ये एंडिंग हमें दिखाती है कि कैसे एक विलन ने सबको मैनिपुलेट किया और एंड में ही विंस बाय फूलिंग एवरीवन। तुम्हारे जैसे भुट्टे रोज सेकते हैं। नंबर 2, रंग दे बसंती। 2006 में रिलीज हुई फिल्म रंग दे बसंती इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी जहां हम 6 दोस्तों को देखते हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये सारे दोस्त अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं। बट एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस वी सी देम अंडरस्टैंडिंग द रियल पर्पस ऑफ देयर लाइफ। यही क्या क्या पके जा रही है आदमी? और रही बात जांच की, हां हर जांच के लिए तैयार। उनकी लाइफ तब बदलती है जब उनका एक फ्रेंड अजय, जो कि एक एयरफोर्स पायलट है, वो एक प्लेन क्रैश में मर जाता है। बाद में उन्हें ये पता चलता है कि ये प्लेन क्रैश गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। अजय की डेथ इन सारे दोस्तों को इतना इम्पैक्ट करती है कि वो अपने तरीके से इन पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करने का डिसीजन लेते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि ये सारे दोस्त एक रेडियो स्टेशन को हाईजैक कर लेते हैं सो दैट दे कैन टेल एवरीवन द ट्रूथ अबाउट अजय's डेथ। उनका मैसेज दुनिया के सामने चला जाता है पर एंड में उन्हें अथॉरिटीज ऑन स्पॉट शूट कर देती हैं। ईच वन ऑफ देम डाइज एट द एंड एंड समवट द डर्टी पॉलिटिक्स दैट किल्ड अजय आल्सो एंड्स अप किलिंग देम। ये एंडिंग एक बहुत ही इमोशनल एंडिंग थी एंड दैट इज व्हाई रंग दे बसंती इज कंसिडर्ड अ क्लासिक। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। नंबर 3, धूम 2। फिल्म धूम 2 में हम ऋतिक रोशन को आर्यन के कैरेक्टर में देखते हैं एंड वी कैन से विदाउट एनी डाउट दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश विलन्स ऑफ बॉलीवुड। आर्यन एक वर्ल्ड फेमस रॉबर है और हर रॉबरी में वो एक अलग लुक तैयार करता है जिसकी वजह से पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। Everyone thinks he dies, but then we see him alive on an island, जहां वो एक रेस्टोरेंट मैनेज करता है। This makes us realize that Aryan was the villain of the film, but somewhat he was the hero of the film as well. Do let us know if there are any Ritik fans watching this video. नाम क्या? पीछे लिखा। Number 4, Omkara. How can we make a list of villains and not include Langra Tyagi from the film Omkara? We all can agree that he's one of the most clever villains we have ever seen in Hindi cinema. फिल्म में वो हर कैरेक्टर को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोवोक करता है और एंड में इसी वजह से सब एक दूसरे को मार देते हैं। दिस शोज हाउ इजीली लंगड़ा त्यागी विंस बाय बीइंग अ विलन ऑफ द फिल्म। नो डाउट फिल्म के एंड में वो भी मर जाता है बट बाय देन ही हैज ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ डैमेज। सो इवन आफ्टर डाइंग वी कैन से दैट उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, व्हिच मींस दैट हिज इविल इंटेंशंस हैड वॉन। झूठ बोल रहे हो मे भैया।
हमें फंसाना चाहती है। लगता है उसका भी इरादा किसी के साथ चल रहा है। नंबर 5, डॉन। We won't be wrong to say कि audience Dawn franchise को सिर्फ शाहरुख की वजह से ही देखती है। From the way शाहरुख walks to his dialogue delivery and even the dapper suits he wears, शाहरुख खान को Dawn के look में देखना is always a treat. What's more interesting is कि जब से film start होती है, we know कि end में Dawn will eventually win. लेकिन इसके बावजूद भी हम फिल्म को एक इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। फिर जब end में you feel that maybe Dawn has died, he comes back and says. और जहां तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है तो एक बात हमेशा याद रखना प्लीज, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेयर फिल्म्स जहां पर वी सपोर्ट द विलन विनिंग एंड दैट प्रूव्स कि हम डॉन के कैरेक्टर को कितना एंजॉय करते हैं। मुझे चार्ली प्रिया बहुत पसंद है। Number 6, Chichore. There's not one particular villain in Chichore, it's a whole team. We are talking about the boys of Hostel Number 3. You cannot define them as villains, but film ke story ke hisab se, wahi film ke villains the. Hostel Number 4 ke students, jisme Anni aur uske dost rehte hain, unhe losers ke naam se bulaya jata hai. पूरी फिल्म में हम एक इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखते हैं जिसमें हम लूजर्स को किसी न किसी तरीके से जीतते हुए देखते हैं। उनका मेन मोटिव हॉस्टल नंबर 3 को हराना होता है और वो ऑलमोस्ट उन्हें एंड में हरा भी देते हैं, बट आखिरी बास्केटबॉल मैच में वो हार जाते हैं। एज ऑडियंस हम उन्हें पूरी फिल्म में सपोर्ट करते हैं, बट द एंडिंग सरप्राइज्ड एवरीवन ऑफ अस। चिचोरे फिल्म एक ऐसी रेयर हिंदी फिल्म है जहां पर हम अपने हीरोज को हारते हुए देखते हैं। दिस वाज सच अ रियलिस्टिक एंडिंग और आखिर में इवन ऑपोजिशन टीम भी उन्हें सपोर्ट करती है। जिनके साथ आप हंसते हैं, रोते हैं, पर जिंदगी जीना सीखते हैं। क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? Yes! क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? Yes! नंबर 7, क्योंकि 2004 में रिलीज हुई फिल्म क्योंकि में हम सलमान खान को एक नेवर द सीन बिफोर कैरेक्टर में देखते हैं। फिल्म का विलन उस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर खुराना है जिनका रोल ओमपुरी जी ने प्ले किया था। ए, सुजा, ससुराल में आयो। स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब आनंद फॉल्स इन लव विद हिज डॉटर और डॉक्टर खुराना को ये पता चल जाता है। वो इसके अगेंस्ट होते हैं और वो आनंद को बहुत बुरी तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। शौक, आप भी शौक क्यों दे रहे? मर्जी, मेरी मर्जी, आपको पता है मर्जी में जो आपको पता है कि मैं पागल नहीं हूँ। फिल्म की एंडिंग बहुत ही ट्रेजिक है, which we don't even want to reveal at this point. But spoiler alert, Dr. Khurana wins at the end. Number 8, Gangs of Wasseypur. We won't be wrong when we say Ramadhir Singh from Gangs of Wasseypur is one of the greatest villains we have ever seen in Indian cinema. Ramadhir Singh एक ऐसा villain है जो पूरी फिल्म में कभी भी कोई भी weapon use नहीं करता है, but still he is the most villainous character in the entire story. उनकी speciality violence नहीं है, बल्कि लोगों को manipulate करने की है। जी ठीक है। अब तो सच बोल दे। इसी मैनिपुलेशन की वजह से वो अपने दुश्मनों को मरवा देता है। फिल्म के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि ही इज किल्ड बाय फैजल खान, मगर इसके बावजूद भी ही विंस एट द एंड, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर बाद में फैजल खान को डेफिनेट मार देता है जिसको हमेशा रामधीर ने मैनिपुलेट किया होता है। सो डिस्पाइट डाइंग रामधीर सिंह विंस, और ये बात प्रूव करती है कि व्हाई वी फील ही इज द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम्स। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इनमें से कौन से विलन के जीतने पर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई और किस विलन के जीतने पर आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो वी आर होपिंग फॉर इंटरेस्टिंग रिप्लाइज एज वेल। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।